गांव कनहड़ी के पास चलती कार में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने इसके बाद तुरंत सूचना नगर परिषद को दी। नगर परिषद की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कार सवार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार उकलाना निवासी सुरेश कुमार अपने मित्र के साथ टोहाना आया हुआ था। वह अपना काम समाप्त कर वापस घर लौट रहा था कि अचानक गांव कनहड़ी के पास चलती कार में आग लग गई, जिसके चलते दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पा लिया गया। फायरकर्मी राजेश ने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि गांव कनहड़ी के पास चलती गाड़ी में आग लग गई थी, तो वे मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पा लिया। कार सवार दोनों व्यक्ति सुरक्षित हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। टोहाना से आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए सुशील सिंगला की रिपोर्ट। ये था कि हमारे पास सुरेश कुमार के नाम से हमारे पास कॉल आई थी कि कनहड़ी से 2 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी में आग लग गई है। गाड़ी पे मौके पर जाकर गाड़ी में आग पे काबू पाया। गाड़ी में लगभग 2 व्यक्ति थे, उन्होंने सुरक्षित निकाल लिए थे। उन्होंने स्पार्किंग की वजह से उसमें आग लगी थी गाड़ी में।